भी लोग अपने बाकी सारी चीज़ों को एक बार छोड़ते हुए और लोकतंत्र के पर्व में इस पर्व को आप गर्व से मनाएं और हमारे साथ मिलकर इसको एक त्यौहार के रूप में मनाएं। लोकसभा चुनाव 2024 में अधिक से अधिक मतदान हेतु अजमेर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देश पर जिला स्वीप प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला स्वीप अधिकारी अभिषेक खन्ना ने बताया कि इस बार अजमेर संसदीय क्षेत्र में हर मतदाता तक जिला स्वीप प्रकोष्ठ के माध्यम से पहुँच बनाते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस हेतु बूथ स्तर पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन किया गया है। मतदाता जागरूकता अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण प्रदान कर जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है। पहली बार शहर व ग्रामीण स्तर पर मोहल्ला समिति तथा स्वयं सेवी संगठनों की बैठक आयोजित कर आमजन को भी जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है। प्रत्येक विद्यालय में ELC का गठन हो या नव मतदाता को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देना। मतदान के प्रति जागरूकता अभियान में जिला स्वीप प्रकोष्ठ युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिषेक खन्ना ने बताया कि सोशल मीडिया के इस दौर में प्रतिदिन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक तथा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। CEO अभिषेक खन्ना के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देश पर मतदाता जागरूकता को लेकर लघु फिल्म का प्रसारण भी किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 26 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे मतदान दिवस पर मतदाताओं के लिए मतदान स्थल पर छाया हेतु टेंट, पेयजल व्यवस्था, वॉलंटियर्स, वोटर वेटिंग रूम, दिव्यांग तथा बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर व रैंप व रेलिंग की सुविधा की गई है। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर अजमेर संसदीय क्षेत्र में किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, इसे लेकर आवाज राजस्थान की ने CEO अभिषेक खन्ना से बात की। देखिए, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हमने तीन भागों में हमारी स्वीप गतिविधियों को विभाजित किया है। एक तो जो विजिबल स्वीप गतिविधियां हैं, जिसमें आम जन का अधिक से अधिक इन्वॉल्वमेंट हो और एक माहौल बने कि 26 अप्रैल को हमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान करना है और सभी लोग घर से बाहर आ पाएँ, इसलिए हमने विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ की हैं। चाहे वो वोट वर्क्स हो, जिसमें लोग आके संकल्प पाती लगाते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम मतदान करने आवश्यक रूप से जाएंगे। चाहे वो स्वीप एक्सप्रेस हो, जिसके माध्यम से हम हमारा मैसेज हमारी टीम के माध्यम से हर गांव में पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां स्वीप के तहत की जा रही हैं, और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके मैसेज उस स्वीप बुलेटिन में जाते हैं और हम साप्ताहिक रूप से उस स्वीप एक्सप्रेस को निकाल रहे हैं। इसके अलावा इस बार एक नया नवाचार हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सभी सरकारी दफ्तरों के बाहर एक बाननवार लगाई है, जिसमें जो भी ECI की एप्स हैं उनका स्कैनर और उनके बारे में जानकारी उपलब्ध है, तो लोग वहां से स्कैन करके उन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने हमारी टीम को भी इसके रिगार्डिंग मैसेज किया है कि ECI की जो ऐप्स हैं उनको अधिक से अधिक डाउनलोड करवाया जाए। इसके अलावा हमने घूमर का आयोजन करवाया है, जिसमें लगभग 200 से अधिक महिलाओं ने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर्स हैं और विभिन्न विभागों की टीम है जो ग्राउंड पर स्वीप का कार्य कर रही हैं, उन्होंने भी स्वीप के प्रचार प्रसार के लिए इसको आयोजित किया था। इसके अलावा वाकाथॉन का आयोजन कर रहे हैं और भी बहुत सारी विजिबल एक्टिविटीज़ आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। जो हमारा सतरंगी सप्ताह है, उसमें और विभिन्न कार्यक्रम हमारे द्वारा करवाए जाएंगे। सर, बूथ स्तर पर भी आपने टीम का गठन किया है ताकि अधिक से अधिक मतदान हो, किस प्रकार की टीम है? देखिए, बूथ अवेयरनेस ग्रुप में हमने आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, राजीविका की टीम और स्काउट के बच्चे, इन सबको सम्मिलित करते हुए बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन किया था। अकेला BLO क्या है कि 1000 से 1500 मतदाताओं को टारगेट करना उसके लिए संभव नहीं हो पाता, तो हमने उसकी टीम को अवरुद्ध रूप देते हुए 10 से 12 लोग सम्मिलित किए हैं। उन व्यक्तियों का कार्य ये रहेगा कि वो मतदाता से संपर्क करके, हमने 15 दिन पहले भी लोगों से संपर्क अभियान चालू किया, लोगों से संपर्क अभियान करके हम मैसेज करवा रहे हैं कि भाई आप मतदान के दिन आवश्यक रूप से वोट देने आए, और सेम प्रोसीजर हम रखेंगे पोलिंग वाले दिन। हम इनसे अनुरोध करेंगे कि जो हमारी टीम के सदस्य हैं सबको मोबाइल पे कॉल करें या घर घर जाके संपर्क करें, तो अधिक से अधिक लोग घर से बाहर आके 26 अप्रैल को मतदान में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएं। सर, एक वृद्धजनों को जो मतदान है, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है?
देखिए, हमने होम वोटिंग के रिगार्डिंग हमारी टीम हर जगह जाके, जो AR की टीम है, उन्होंने होम वोटिंग के तहत 85+ से ऊपर के लोग हैं उनसे मतदान करवाया है, और जो डिफरेंटली एबल्ड है उनका भी मतदान करवाया है। उनके काफ़ी लोगों के जो वीडियो हमारे पास हमारी टीम के माध्यम से आ रहे हैं, तो वो बहुत ही उत्साहित हैं और बार बार इस बात के लेके आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उनको बूथ में लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ रहा और घर बैठे वो मतदान कर पा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभा पा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, 26 अप्रैल को मतदान होना है, आप क्या अपील करना चाहेंगे जिले के मतदाताओं से? देखिए, हमारी अपील यही है कि आप सभी लोग अपने बाकी सारी चीज़ों को एक बार छोड़ते हुए और लोकतंत्र के पर्व में इस पर्व को आप गर्व से मनाएं और हमारे साथ मिलकर इसको एक त्यौहार के रूप में मनाएं, ताकि जिले का मतदान प्रतिशत है वो 75% से ऊपर जा सके और आप सब लोग भी इस लोकतंत्र के त्यौहार को हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकें।